हेलो दोस्तों, टेकवर्ड सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हमारी ऐप दिस मंथ सीरीज़ यानी कि एटीएम सीरीज़ का तीसरा एपिसोड लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको मार्च 2017 की कुछ बेस्ट ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस लिस्ट में जो पहला नाम आता है वो आता है वॉल्यूम स्लाइडर का। तो सबसे पहले जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो इसमें आपको परमिट ड्राइंग और अदर ऐप्स की परमिशन देनी होगी, और इस परमिशन को देने के बाद आप इस ऐप को यूज़ कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको सबसे पहले जो वॉल्यूम स्लाइडर है उसे ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ में आप इसे अगर राइट में रखना चाहे तो राइट में, या लेफ्ट में रखना चाहे तो लेफ्ट में रखने का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों, ये फ्री है, लेकिन इसमें जो कुछ फीचर्स है वो प्रीमियम में रखे गए हैं, उसके लिए आपको 65 रुपीज़ पे करने होंगे। इसमें आपको वाइब्रेट टोन टच का ऑप्शन मिल जाता है, यूज़ वाइडर एजेस का ऑप्शन मिल जाता है, और इसमें यूज़ डिले का ऑप्शन भी मिल जाता है। दोस्तों, साथ में आपको इसमें नीचे की तरफ जो ऑप्शन मिलते हैं वो है मीडिया, नोटिफिकेशन, रिंगर, सिस्टम, ब्राइटनेस को कंट्रोल करने का। दोस्तों, इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर अभी रिंगर की जो वॉल्यूम है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं होम स्क्रीन पर पहुँच जाता हूँ, या आप कोई भी स्क्रीन पर चले जाएँ। उसके बाद आप एज की तरफ जैसे ही टच करेंगे तो आपको वाइब्रेशन फीडबैक मिलेगा, और आप ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो आप नीचे की तरफ यहाँ देख सकते हैं जो रिंगर वॉल्यूम है वो 15 दिखा रहा है। उसके बाद आप नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो ये कम ज़्यादा होती रहेगी, जैसे ही ऊपर स्लाइड करेंगे बढ़ जाएगी, नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये एक इनविजिबल जो एज पर बार है वो बन जाती है, जिससे आप अपने वॉल्यूम को किसी भी स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में इसको, जैसा कि मैंने बताया आपको, जो ब्राइटनेस का है वो भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर इसको ब्राइटनेस सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके लिए आपको एज पर टच करके होल्ड करना होगा, उसके बाद जैसे आप ऊपर ले जाएंगे तो ब्राइटनेस अप का दिख जाएगा, फिर नीचे लाएंगे तो डाउन दिख जाएगा। इस तरह से ब्राइटनेस को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं वॉल्यूम स्लाइडर ऐप के द्वारा। अब बात कर लेते हैं दूसरी ऐप की। तो जो दूसरी ऐप है वो आती है क्यूरियस फैक्ट नाम से। दोस्तों, ये ऐप पूरी तरह से फ्री है, ये उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्यूरियस और इंटरेस्टिंग थिंग्स जानना चाहते हैं। ये ऐप उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपको काफ़ी सिंपल सा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको जैसे ही इस तरफ स्लाइड करेंगे तो नए नए इंटरेस्टिंग और क्यूरियस थिंग्स या फैक्ट्स आपको पता लगते रहेंगे, और ये एक अनलिमिटेड थिंग है जो आप जैसे ही स्लाइड करते रहेंगे तो आपको नए नए थिंग्स देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इसमें आपको ऊपर की तरफ सेटिंग का आइकन देखने को मिल जाता है, जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो जो इसका व्यू है वो डार्क व्यू से लाइट व्यू में चेंज हो जाएगा। इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बेसिक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इसमें अभी केवल इंग्लिश और रोमन लैंग्वेज का सपोर्ट ही दिया गया है, तो ये आपके लिए खास यूज़फुल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट्स चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जूम आउट या डेप्थ पेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं या नन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी यूज़फुल ऐप है आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है। अब बात कर लेते हैं तीसरी ऐप की। जो तीसरी ऐप आती है वो आती है वॉलपेपर विद फिल्टर्स नाम से। दोस्तों, ये ऐप पूरी तरह से फ्री है, इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं। दोस्तों, अभी तक की वॉलपेपर्स ऐप जो मैंने यूज़ करी है उनमें से मेरे को ये बेस्ट ऐप लग रही है। इसमें काफ़ी सारे आपको मोबाइल व्यू के लिए वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप किसी भी वॉलपेपर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको ऊपर की तरफ एड टू फेवरेट्स का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में नीचे आपको काफ़ी सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं इसी ऐप में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें स्टार्ट, लेट, ब्लर और BNW नाइट वॉलपेपर, काफ़ी सारे इसमें आपको फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं। इन फिल्टर्स को अप्लाई करके आप इन वॉलपेपर्स को पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और ये जो फिल्टर्स के अप्लाई होने का टाइमिंग है वो बहुत ही कम है, लेस देन 1 सेकेंड आप कह सकते हैं। जैसा कि प्रिज्मा एक ऐप थी, उसमें कोई भी इफेक्ट अप्लाई होने में काफ़ी टाइम लग जाता था। दोस्तों, इस वॉलपेपर को आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको सेट एज वॉलपेपर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, और दोस्तों इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेंडिंग, पॉपुलर, यहाँ पर आपको फेवरेट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ में यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी तरह की कैटेगरीज, नेचर, लव, आर्ट, अदर, सिटीज़, नेचर, नाइट, एब्स्ट्रैक्ट, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे। तो ये वॉलपेपर ऐप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अब बात कर लेते हैं चौथी ऐप की। तो दोस्तों, जो चौथी ऐप है वो एक गेम है जिसका नाम है सिमेट्रिया। जैसे ही इस ऐप को ओपन करेंगे तो दोस्तों आपको सिंपल सा एक इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड देखने को मिल जाते हैं, कैंपेन, एडलेस और बैटल। कैंपेन मोड में आप जाएंगे तो इसमें आपको स्टेजेस के रूप में ये गेम देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि इस गेम का नाम सिमेट्री है, तो इसमें आपको
जो भी आपको एक तरफ ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, सेम ऑब्जेक्ट आपको दूसरी तरफ क्रिएट करना है, यानी कि आपको जो मिरर इमेज है वो क्रिएट करनी है। आपको स्टार्टिंग में ये गेम काफ़ी सिंपल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये काफ़ी टाइम पास गेम हो जाएगा आपके लिए, और आप इसे टाइम किलिंग गेम भी कह सकते हैं, और धीरे धीरे आपका इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा तो आपके लिए गेम काफ़ी यूज़फुल रहेगा। दूसरे मोड की बात करें तो इसमें आपको एंडलेस मोड देखने को मिल जाता है, यानी कि इसमें आपको आपका हाईएस्ट स्कोर को बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर करना चाहेंगे और अपनी रैंकिंग को अच्छा करना चाहेंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरे मोड की। जो तीसरा मोड है वो इस गेम का सबसे खास मोड कहा जा सकता है, वो है बैटल। तो दोस्तों जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपको अजीब सी स्क्रीन देखने को मिलेगी, लेकिन असलियत में जो ये स्क्रीन आप देख रहे हैं ये एक तरह से दो प्लेयर्स के लिए स्क्रीन है। एक प्लेयर को इधर से इस गेम को ऑपरेट करना है, जबकि दूसरे प्लेयर को उस साइड से इस गेम को ऑपरेट करना है। तो ये एक बैटल गेम बन जाता है। इसमें एक ही स्क्रीन पर यानी कि एक ही मोबाइल पर दो लोग बिना कोई इंटरनेट कनेक्शन के बैटल खेल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो आपको सिमेट्री की पजल देखने को मिल जाती है। जैसे इन पजल को आप सोल्व करने लगेंगे तो एक टाइमर बन जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और आपको बताएगा कि कौन इस गेम को जीत रहा है। आप देख सकते हैं जो पॉइंट्स है वो भी यहाँ पर आते रहेंगे और राउंड दिखाता रहेगा और ये बताता रहेगा कि कौन से जो प्लेयर है वो आगे रहता है और कौन सा पीछे रहता है। तो ये गेम काफ़ी सिंपलिस्टिक गेम है और काफ़ी टाइम किलिंग और टाइम पास गेम भी कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट ऐप की। तो लास्ट ऐप आती है ऐप स्वैप ड्रॉअर नाम से। ये ऐप पूरी तरह से फ्री नहीं है, इसमें कुछ प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं जिसके लिए आपको पे करना होगा, लेकिन आपके यूज़फुल फीचर्स के लिए आपके ये काफ़ी यूज़फुल ऐप रहेगी। और ये ऐप उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है जिनके फ़ोन में इनबिल्ट ऐप ड्रॉअर नहीं आता है, तो वो इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में भी मैंने एक ऐप ड्रॉअर बताया था स्मार्ट ड्रॉअर नाम से, वो भी काफ़ी यूज़फुल था, लेकिन ये ऐप ड्रॉअर उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा जो पिक्सल की तरह अपने एस से नीचे की तरफ से ऐप ड्रॉअर का लॉन्चर चाहते हैं, यानी कि ऐप ड्रॉअर को यूज़ करना चाहते हैं। दोस्तों इसे इनेबल पूरी तरह से करने के लिए आपको सेटिंग्स में ऑप्शन मिल जाएगा एज लॉन्च का। तो जैसे ही आप यहाँ पर टर्न ऑन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर परमिट ड्रॉइंग और अदर ऐप्स को आपको इनेबल करना होगा। उसके बाद आप बैक जाएंगे तो इसमें आपको तीन तरह से यानी कि तीन साइड से इसे लॉन्च करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइड है यानी कि राइट और लेफ्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप नीचे की तरफ टिक करेंगे तो नीचे से भी ये जो ऐप ड्रॉअर है वो लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप पीछे चल जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने नीचे की तरफ से स्लाइड करा तो जो पिक्सल की लॉन्चर की तरह आपको नीचे की तरफ से पिक्सल का जो ड्रॉअर है वो लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा आपको इस ऐप में यानी कि इस ऐप ड्रॉअर में कैटेगरी वाइज ऐप्स देखने के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी अधिकतर ऐप्स को काफ़ी अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टैग ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ जो आपने ऐप्स हाइड कर रखी है उसे भी देखने का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग्स में आप जाएंगे तो आपको इसको कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर एनिमेशन को रिमूव कर सकते हैं, साथ में आपको यहाँ पर थीम को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आइकन पैक चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी कोई भी आइकन पैक नहीं है तो इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। उसके अलावा डिस्प्ले एप्लीकेशन नेम और काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये एक जो ऐप ड्रॉअर है वो आपके लिए पिक्सल का एक यानी कि पिक्सल फ़ोन का एक लुक लाकर दे देगा आपके नॉर्मल फ़ोन में ही। और ये जो ऐप है वो ज़्यादा बड़ी ऐप भी नहीं है, लगभग 4 से 5 MB की ऐप है। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से आपके लिए हमारी ATM सीरीज़ का थर्ड एपिसोड, यानी कि जो मार्च 2017 की टॉप 5 ऐप्स है वो मैंने इसमें आपको बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।